गलती के बीच में फर्क नहीं करना चाहिए, ये तो हम सबको हर कोई सिखाता है, लेकिन जब बात आती है तो लड़का और लड़की के बीच का फर्क साफ साफ देखने को मिलता है। और हाल ही में दीपिका पादुकोण ने इस बात से पर्दा उठाया है कि किस तरह से बॉलीवुड में उनके साथ लड़का और लड़की का भेदभाव किया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मस्तानी लीला यानी कि दीपिका पादुकोण के बारे में, जिन्हें डिंपल क्वीन भी कहा जाता है। दीपिका पादुकोण कितनी टैलेंटेड है ये तो हर कोई जानता है, और कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, और वाकई दीपिका पादुकोण इन सब का एग्जाम्पल है, और उन्होंने अपने साथ हुए किस्से को सबके साथ शेयर भी किया। दरअसल हाल ही में मस्तानी दीपिका पादुकोण पहुंची थी एक इवेंट में, जहां पर उन्होंने खुलकर बात करी और ये भी बताया कि किस तरह से बॉलीवुड में उनके साथ भेदभाव किया गया था। दरअसल एक डायरेक्टर ने दीपिका पादुकोण से उनकी फीस पूछी तो दीपिका ने अपनी फीस बताई, लेकिन पलटकर उस डायरेक्टर ने कहा कि आपको हम इतनी फीस नहीं दे सकते हैं, एक्टर से आपको कम फीस मिलेगी। लेकिन दीपिका पादुकोण ने उस डायरेक्टर को टाटा बाय बाय किया, उनकी फिल्म साफ साफ करने से इनकार कर दिया। वेल, दीपिका पादुकोण ने यह भी बताया कि भाई ये भेदभाव उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो लड़की है तो उन्हें कम फीस क्यों दी जाएगी। दीपिका पादुकोण कितनी टैलेंटेड है, उन्होंने बॉलीवुड में कितनी हिट फिल्में दी, पद्मावत, बाजीराव, मस्तानी, लीला जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी हैं, रामलीला में उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं पद्मावत में उन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया। हाल ही में इवेंट में पहुंची दीपिका पादुकोण ने कई राज से पर्दा उठाया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, और ये एग्जाम्पल जरूर सेट किया है दीपिका पादुकोण ने कि वाकई अगर लड़के कुछ ठान ले तो वो करके जरूर दिखाती है। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा हमारे इस रिपोर्ट में। छोरी छोरों से कम है कि, ये डायलॉग तो है फिल्म दंगल का, लेकिन असल जिंदगी में इस डायलॉग को साबित कर रही हैं बॉलीवुड की डिंपल क्वीन मस्तानी। जी हाँ, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी कड़ी मेहनत से लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। दीपिका पादुकोण के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, और अब दीपिका पादुकोण ने किस तरह से हाल ही में लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, यानी कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है उसको लेकर एक काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। दीपिका ने हाल ही में एक इवेंट में बताया कि किस तरह से डायरेक्टर ने दीपिका पादुकोण को मेल एक्टर से कम फीस देने की डिमांड की थी, लेकिन दीपिका ने डायरेक्टर को इतनी गंदी लतार लगाई कि वो उस डायरेक्टर की मूवी तक छोड़कर गुड बाय बोलकर वहां से निकल पड़ी। दीपिका पादुकोण को लगता है कि ये भेदभाव बिल्कुल भी सही नहीं है। मेल एक्टर को फीमेल एक्ट्रेस से ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन दीपिका पादुकोण जितना पैसा मेल एक्टर को मिलता है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही फीस लेती है। इतनी टैलेंटेड दीपिका पादुकोण, उन्होंने बॉलीवुड में इतनी बेहतरीन फिल्में और शानदार फिल्में दी हैं, और हाल ही में द बुक द डॉट दैट वैन फॉर अ वॉक बाय दीपिका पादुकोण हाल ही में लॉन्च में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है दीपिका पादुकोण ने लड़का और लड़की के भेदभाव के बारे में, और किस तरह से उन्होंने डायरेक्टर को गंदी लताड़ लगाई थी, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से उनके साथ बॉलीवुड में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव किया गया था। Let's hear your stories, just continuing that same line of thought. If there is one. You know, actually, I've been thinking about it. I'm like, great, I have like some time to think about my, you know, moment or like an incident. But to be very honest, other than professionally, and even professionally, it's literally like, maybe like one or two things, like pay scale. Other than that, I have to say that I've never really experienced it. But maybe now when I think about it, maybe it's the way that I was brought up. It never sort of, I didn't look at it through that lens ever.
So maybe there have been instances where there I have faced that sort of discrimination of male versus female, girl, boy, but maybe I just didn't register it because that's not the way I've grown up in a family. There's just me and my sister, we're two girls, and we were never made to feel like we cannot accomplish something because we're girls. I started playing badminton at a very young age. Girls and boys traveled together, we played together, we stayed in dormitories together. We had the same issues of like not having toilets or not having, you know, water to shower. So the issues in that sense have been the same. Again, maybe if I think of it, maybe the prize money that the guys got was a little more than what the girls get. Today in film, there's no lack of opportunity. Sure, in the kind of films that we've made, maybe say a couple of years ago, and the place of a woman in a film versus how those roles have changed today are very different. And of course the pay, which is again something that, you know, I'd like to speak for myself and say that for myself, I think I've been able to bridge that gap in terms of what my contemporary, male contemporaries are getting versus what I'm getting paid. There was a recent incident where a director offered us a film and said, you know, creatively I liked it. And then it came to sort of talking about the monies. And I said, okay, so this is what I would charge. And it kind of went back and forth where he came back and said, you know, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male, you know. So I said, okay, then tata, goodbye, because I know my track record. I know what I'm worth. I know that his films haven't been doing as well as my films have been doing. It made absolutely no sense. So I was okay to say no to that film based on that one thing because I just thought it was unfair. And I'm ready today to take those steps or measures or decisions for myself because I'm going to be able to sleep peacefully at night. I don't think I'd be able to live with that sort of thought knowing that I've been a part of a film, had the same sort of creative contribution, or bringing the same sort of value to a film, but being underpaid. I was not okay with that. So I think some of those instances, but I think broadly, I've never been made to feel less or not being able to achieve something because of being a woman. If I may just say one thing here, since Deepika said that, we did a survey of women and successful women. And I also have just one sister, which is two girls in the family. And strangely enough, they found where they were only daughters, the confidence level was different than when there were sons as well in those families, at least maybe a generation before. So that's interesting. That's a great insight. Before we go to other people, there's a beautiful research by, I'm sorry, there's a beautiful research by Gina Davis about the I forget what the technical term is, the extras in the movie. Over a span of about 800 Hollywood films, turns out that 90% of the background extras are male. So the you know, to a point of subconscious conditioning as to what one sees on screen and what goes on literally in the background. When I thought it was a remarkable statistic which just goes unnoticed. Mm-hmm. What about you, Aditi? मैं बताती हूँ discrimination के बारे में. Friends, it is so annoying. No, you know, I'll tell you, I think it ties in with the, yes, you know, it ties in with what we are sitting here today for is that stand-up comedy to a very large extent is storytelling, is telling the truth about your life and telling sometimes an exaggerated truth about your life. And I realized that, you know, when it came to lineups and stuff, people would be like, oh my God, you're really funny for a woman. I was like, yeah. But it makes you realize that women have to work triply hard for someone to be interested in their story. Like, I know that like one a fellow comic once came and told me, "Tere ko pata hai na, tere set mein sab sutta marne jaate hain." And I was like, really? What do I have to do? What do I have to do to follow up that guy before me who did like a round of terrible jokes, which everyone was like, haan, sachi, correct, aurat bahut time lagati kapde pehenne mein, so correct this man is. Telling some real truths of life out here.
And then you go on stage and you're sort of, you're definitely saying things that people have never heard before. And actually, that was one of the reasons I got into stand-up, was because I was like, I can't identify a narrative of where the woman is funny and not hideous. Like, you know, like otherwise they would be like, "Are why? And I was like, why can't we be owners of our own stories and why can't we... Well, दोस्तों तो देखा आपने कि किस तरह से दीपिका पादुकोण ने खुलकर बात सामने रखी है और किस तरह से उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए. लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोस्तों हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का. पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड से जुड़ी कई और तमाम चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को.